हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 12 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि 25,000 की रेंज में जो आपके पास मोबाइल्स अवेलेबल हैं, उनमें से बेस्ट मोबाइल कौन सा रहेगा पबजी के लिए। अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें तो आज हम यहाँ पे OnePlus Nord, Poco X2 के MIUI 12 अपडेट आ चुकी है, उसके बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। Redmi Note 9 Pro Max, Realme 6 Pro, Realme X2, Poco M2 Pro, Realme 6, Vivo Z1 Pro, Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Moto One, Fusion Plus, Vivo Z1X। इसके साथ साथ Vivo की भी मेजर अपडेट आ चुकी है और यहाँ पे Realme के हर एक डिवाइस की अपडेट आ चुकी है, Redmi के हर एक डिवाइस की अपडेट आ चुकी है। तो अपडेट आने के बाद इनका बैटरी ड्रेन का एल्गोरिदम बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो हमने सारे डिवाइसों को कम्प्लीट चार्ज किया था, ब्राइटनेस लेवल फुल करके, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ करके, सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी देके हमने यहाँ पे जिन डिवाइसों में 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अवेलेबल है उन्हें 60 हर्ट्ज किया, उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स को स्मूथ के साथ अल्ट्रा कर दिया है। यहाँ पे दो ऐसे डिवाइस है जिनमें आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, Redmi Note 8 Pro और Realme 6। इसके साथ साथ इनमें ही आपको HDR के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है, बाकी बचे हुए डिवाइसों में आपको HD के साथ हाई का मिलता है। तो टेस्ट को फेयर करने के लिए हमने सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स को स्मूथ के साथ अल्ट्रा किया है, जिसमें ज्यादातर लोग प्ले करना पसंद करते हैं और ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सारे डिवाइसों में गेमिंग स्टार्ट कर दी है, कंटिन्यूअसली गेम हम यहाँ पे प्ले करते हुए जा रहे हैं। लगभग 1 आवर 51 मिनट का टाइम हो चुका था और अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों का मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा दें कि किस टेम्परेचर पे ये ऑपरेट हो रहे हैं। वैसे तो वेदर कंडीशन काफी कूल हो चुकी है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं 40 डिग्री पहुंच चुका है Realme 6 Pro और लगभग 43 डिग्री के आसपास है Redmi Note 9 Pro Max और यहाँ पे 42 डिग्री के आसपास है Poco X2 और लगभग 40 डिग्री पहुंच चुका है OnePlus Nord और 41 डिग्री के आसपास है Realme X2, 43 डिग्री के आसपास है Poco M2 Pro, लगभग 44 डिग्री के आसपास है Realme 6 और 44 डिग्री के ही आसपास है Vivo का Z1 Pro भी। और लगभग 43 डिग्री के आसपास है Realme XT, 43 डिग्री के आसपास है Redmi Note 8 Pro, 42 डिग्री के आसपास है Moto One Fusion Plus और 43 डिग्री के आसपास है Vivo Z1X। यानी कि यहाँ पे 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक मोबाइलों का टेम्परेचर वेरी करता हुआ नजर आया, जिसमें Vivo Z1 Pro और Realme 6 सबसे ज्यादा 44 डिग्री शो कर रहे थे। उसके अलावा बाकी बचे हुए डिवाइसों में टेम्परेचर 1-2 डिग्री का वेरिएशन ही देखने को मिला, यानी कि फिलहाल जो वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से अभी कोई मोबाइल ओवरहीट नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने लगभग हर एक डिवाइस से गेम प्ले किया है और हमें सभी में पबजी स्मूथ चलता हुआ नजर आया। सबसे स्मूथ की बात करें तो यहाँ पे OnePlus Nord का हमें स्मूथनेस काफी अच्छी लगी, यानी OnePlus Nord की टच एक्यूरेसी और स्मूथनेस बहुत अच्छी है। Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro दोनों में ही हमें गेमिंग काफी अच्छी लगी, यानी कि गेम प्ले करने में मजा आ रहा था, टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं। Realme 6 Pro में भी गेमिंग बहुत अच्छी है, Poco X2 में भी आपको गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। Poco X2 का टेम्परेचर पहले बहुत ज्यादा जाने लगा था लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया, यानी कि अभी इतना ज्यादा नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ गेमिंग भी इंप्रूव हो गई, यानी कि गेमिंग भी काफी अच्छी हमें मिलती हुई नजर आ रही Poco X2 में। Realme X2 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके साथ साथ Vivo Z1 Pro की बात करें तो Vivo Z1 Pro में हल्की फुल्की फ्रेमिंग होती है बीच में, क्योंकि उसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गेमिंग काफी अच्छी हो जाती है। Realme XT में भी सेम आपको देखने को मिलेगा जैसा Vivo Z1 Pro में है और Vivo Z1X में भी कुछ इसी तरह का गेम प्ले है। Redmi Note 8 Pro, Realme 6 में आपको गेमिंग बहुत स्मूथ देखने को मिल जाएगी जब आप स्मूथ के साथ एक्सट्रीम में प्ले करेंगे, लेकिन अगर आप HDR के साथ अल्ट्रा में प्ले करते हैं दोनों में तो ये दोनों हीट भी ज्यादा होते हैं और उसमें फ्रेम ड्रॉप भी काफी ज्यादा होते हैं। यानी कि ओवरऑल आप इन सारे डिवाइसों से गेम प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, यानी कि किस डिवाइस ने कितना बैटरी बैकअप दिया है, तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो है Redmi का Note 8 Pro 4500mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ, MediaTek Helio G90T प्रोसेसर वाला डिवाइस पहले डिस्चार्ज हुआ 4 आवर 15 मिनट में, जबकि इसके लगभग 8 मिनट के बाद ही हमारा अगला डिवाइस डिस्चार्ज हो गया जो है Poco X2, 4 आवर 23 मिनट के आसपास का टाइम मिला Poco X2 का। तो Poco X2 का टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे प्रीवियस अपडेट टेस्ट से ज्यादा आया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये 60 हर्ट्ज में हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, जबकि प्रीवियस टेस्ट में हमने 120 हर्ट्ज पे काफी सारे टेस्ट परफॉर्म किए थे। तो यहाँ पे Poco X2 में 4 आवर 23 मिनट के आसपास का टाइम हमें मिलता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे Realme 6 की बात करें तो Realme 6 में हमें 4 आवर 27 मिनट का टाइम मिला, यानी कि 4 मिनट ही ज्यादा चला है Poco X2 से।
इसके साथ साथ अगर हम इन तीनों डिवाइसों की बात करें तो इन तीनों डिवाइसों में हमने ये देखा था कि इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा जाता था और साथ में ये डिस्चार्ज भी पहले होते थे। अभी भी डिस्चार्ज पहले हुए लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं गया है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे Realme 6 के बाद अगले डिवाइस की बात करें तो Realme 6 के बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है वो है Vivo का Z1 Pro। 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला डिवाइस है, 5 और 3 मिनट चला है, यानी 36 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है डेफिनेटली। और देखा जाए तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है Vivo Z1 Pro की बैटरी के मामले में। और Vivo Z1 Pro के लगभग 7 मिनट के बाद ही Realme XT भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। Realme XT 2% के बाद एकदम सडनली डिस्चार्ज हुआ है और 5 over 10 मिनट इसे लगे हैं एग्जैक्टली डिस्चार्ज होने में, जबकि इसके लगभग 5 मिनट के बाद ही Realme 6 Pro भी कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया। 5 आवर 15 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Realme 6 Pro ने। तो Realme 6 Pro का जो बैटरी बैकअप है वो एकदम कंसिस्टेंट है और काफी अच्छा है, यानी कि हम बोलेंगे एवरेज बैटरी बैकअप है जो आपको PUBG में एक्सपीरियंस भी अच्छा देता है और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है। इसके साथ साथ अगर Realme 6 Pro के बाद की डिवाइस की बात करें तो Realme 6 Pro के लगभग 34 मिनट के बाद अगला डिवाइस डिस्चार्ज हुआ जो है Vivo का Z1X। Vivo के Z1X की मेजर अपडेट आई है, उसके बाद इसका बैटरी बैकअप डेफिनेटली कम हुआ है, 5 over 49 मिनट का ही बैटरी बैकअप दिया है। ये लगभग हर एक टेस्ट में Realme X2 को हराता हुआ नजर आता था और इसका बैटरी बैकअप लगभग 7 आवर का रहता था, लेकिन हमारे इस टेस्ट में आप देख सकते हैं 5 over 49 मिनट में ही Vivo का Z1X कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद अगर हम Vivo Z1X के बाद जो डिवाइस यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ है वो है Realme X2। 5 over 58 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है Realme X2 ने, यानी कि 9 मिनट ही ज़्यादा चला है, लेकिन Realme X2 का बैटरी बैकअप देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि Realme X2 के लगभग 5 मिनट के बाद ही Redmi का Note 9 Pro Max भी डिस्चार्ज हो गया जिसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी थी। 6 आवर 3 मिनट तक चला है Redmi का Note 9 Pro Max। इसके बाद हमारे पास फाइनल 3 मोबाइल बचे हैं, Moto One Fusion Plus, Oppo M2 Pro और OnePlus Nord। देखने वाली बात ये रहेगी कि तीनों में से कौन पहले जाता है। तो जब हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, कंटिन्यूसली गेमिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे Moto One Fusion Plus पहले चला गया। 6 hour 5 minute का बैटरी बैकअप दिया है Moto One Fusion Plus ने, जबकि Moto One Fusion Plus के बाद जो हमारे पास फाइनल 2 मोबाइल बचे थे उनमें से जो पहले डिस्चार्ज हुआ वो है Poco का M2 Pro। 6 आवर 13 मिनट में Poco का M2 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। OnePlus Nord में शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि लास्ट के 5% अगर हम छोड़ दें, तो गेम प्ले काफी स्मूथ था। लास्ट के 5% में हमें गेम प्ले में फ्रेमिंग काफी ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो बैटरी बैकअप मिला वो 7 आवर 25 मिनट का मिला है OnePlus Nord में, यानी कि कम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी इसने 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइलों को 1 आवर 12 मिनट से हराया है। जी हां, तो यहां पे आप ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस देख सकते हैं और OnePlus Nord में आपको 95% बैटरी कैपेसिटी तक, यानी 95% बैटरी कैपेसिटी में गेम प्ले स्मूथ मिलता है, लास्ट के 5% में लैगिंग फ्रेमिंग होती है। तो ओवरऑल यहां पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। अब आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।